नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनिवरेश शर्मा। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा की तर्ज पर टू व्हीलर स्कूटी की सीट बेल्ट का चालान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में काटा गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट इसलिए कड़े कायदों के साथ लागू किया गया था कि वे लोग जो सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जिससे रोड पर आम जनता को तकलीफें होती हैं, उन लोगों पर कड़े नियम लादे गए, जिससे वह सड़क पर सही अनुशासन में गाड़ी चलाएं। लेकिन हद तब होती है जब आरटीओ विभाग के अफसर ही गलत तरीके से इन नियमों का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। वहीं हमीरपुर के आरटीओ विभाग में पीटीओ साहब लोगों की समस्या का निपटारा करने के चक्कर में समाज के लिए गजब मिसाल बन गए हैं। पीटीओ साहब ने स्कूटी में सीट बेल्ट नहीं पहनने का चालान काट दिया। वहीं स्कूटी के मालिक प्रवीण कुमार ने इस संबंध में आरटीओ के अधिकारी को इसकी शिकायत भी की थी। आरटीओ के अफसर ने स्कूटी मालिक को चालान भरने की सलाह तक दे डाली। वहीं पीटीओ साहब के अद्भुत चालान काटने की वजह से प्रशासन की चारों ओर किरकिरी हो रही है। यूपी प्रशासन को ऐसे लापरवाह पीटीओ अफसर पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो सड़क पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशान करने से बाज नहीं आते। सीट बेल्ट का चालान हुआ है, सीट बेल्ट जो कि स्कूटी में होती है उसका मेरा चालान कर दिया गया। कल मैं टीआरजी के पास गया, उनसे मैंने जानकारी ली, बताया कि पीटीओ साहब हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने स्कूटी के सीट बेल्ट पे चालान किया हुआ। कल मैं साहब के पास गया था, आरटीओ साहब के पास, उनसे मैंने कल मुलाकात की, उनसे वार्ता की। उन्होंने बताया कि सर मेरा स्कूटी पे सीट बेल्ट पे चालान हुआ है, तो ये तो गलत है। तो बोला जो गलत है तो है, लेकिन वो मिस्टेक हो गई, लेकिन उस पर जो सीट बेल्ट का चालान किया है पीटीओ साहब ने, लेकिन वो कट नहीं सकता, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। बोले वो जो मिस्टेक बाय हुआ, लेकिन आपको चालान भुगतना पड़ेगा। संघ के इनकी स्कूटी का चालान किया गया है सीट बेल्ट ना होने के कारण, सीट बेल्ट लगाए ना होने के कारण। कल से मैं साहब ढूंढ रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल में कि मुझे मोटरसाइकिल में कम से कम मैं सीट बेल्ट तो देख लूं, कल को मेरा चालान ना हो जाए। देखना होगा प्रशासन पीटीओ अधिकारी पर एक्शन लेगी या अगली बार फिर से किसी अन्य शख्स का अद्भुत चालान काटने की खबर उत्तर प्रदेश से सामने आएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।